नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। देश में अभी कोरोना का कहर थमा भी नहीं कि एक नई बीमारी ने दस्तक देकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चिंताजनक बात यह है कि ये बीमारी बहुत कम समय में ही अपने विकराल रूप में आ गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इस नई बीमारी ने आफत पैदा कर दी है। देश के कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं और कई जगहों पर मौतें भी दर्ज की गई हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही ब्लैक फंगस के कारण 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। बीमारी की भयावहता इस कदर बढ़ गई है कि राजस्थान ने तो कोरोना की तर्ज पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। लगातार बढ़ते संकट के बीच एम्स की तरफ से अब कुछ गाइडलाइन जारी की गई है जो ब्लैक फंगस का पता लगाने और उसके इलाज के दौरान मदद कर सकती है। सबसे पहले जानते हैं ब्लैक फंगस का कैसे पता चलेगा। नाक से खून बहना, पपड़ी जमा या काला सा कुछ निकलना, नाक का बंद होना, सिर और आंख में दर्द, आंखों के पास सूजन, धुंधला दिखना, आंखों का लाल होना, कम दिखाई देना, आंख को खोलने बंद करने में दिक्कत होना, चेहरे का सुन हो जाना या झुनझुनी सी महसूस होना, मुंह को खोलने में या कुछ चबाने में दिक्कत होना। ऐसे लक्षणों का पता लगाने के लिए हर रोज खुद को चेक करें। अच्छी रोशनी में चेक करें ताकि चेहरे पर कोई असर हो तो दिख सके। दांतों का गिरना, मुंह के अंदर या आसपास सूजन।